भाई हाँ रिकॉर्डिंग उस ऑन ऑन कर दिए, ऑन कर दिए, 1 मिनट होल्ड कीजिएगा, ऑन कर दिए। हाँ शुरू करो। प्रेजेंटर प्रेजेंटर भी बना दीजिए। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय जय गुरुदेव गुरुदेव भाई जय साहब, गुरुदेव। मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ गुरु भाई। हाँ जी, हाँ जी, हाँ गुरु भाई, स्क्रीन शेयर हो गई क्या? जी गुरु भाई। हाँ जी हो जी गई मैं शुरू आपकी। जी मैं शुरू करता हूँ। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। आज के चैप्टर का शीर्षक है एक सहायक और भेजूंगा। पूज्य गुरुदेव लिखते हैं, मैंने किसी भी धर्म के दार्शनिक ग्रंथ को नहीं देखा। मुझे आजीविका चलाने के लिए जिन परिस्थितियों से जूझना पड़ा, वैसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति ऐसे ग्रंथ देखने की कल्पना तक नहीं कर सकता। मेरे जीवन में जो परिवर्तन आया, उसमें मेरा बौद्धिक प्रयास कुछ भी नहीं है। सन 1967 में परिस्थितियों विशेष के कारण मुझे आराधना करनी पड़ी। आराधना का क्या परिणाम मिलेगा, इसके बारे में भी मैं पूर्ण रूप से अनभिज्ञ था। संसार के लोगों ने आश्चर्य किया, परंतु मैंने हमेशा यही कहा कि जो कार्य पहले करता था, आज कर रहा हूं। मंत्र सिद्धि क्या होती है, उससे जीवन में क्या लाभ? परंतु जब काफी लोग मुझसे मिल चुके, तो उनके विचारों को सुनकर और मेरे अंतर में जो प्रत्यक्षानुभूतियां हो रही थी, उनके तुलनात्मक चिंतन से मैं समझ गया। परंतु लोगों को मैंने स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि भौतिक लाभ के लिए मैं जीवन में इसका उपयोग कभी नहीं करूंगा। लोगों ने बहुत समझाया कि धन के बिना जीवन की समस्याएं हल हो ही नहीं सकती। जब मैं अंत तक नहीं माना, तो लोगों ने कहा, यह जाति का जाट है, इसके समझ में नहीं आवेगी। मैं उनकी बात नहीं समझ रहा था, मैं उनकी बात समझ नहीं रहा था, ऐसी बात नहीं थी। मैंने उन्हें कई बार कहा भी था कि यह सौदा मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैं सोना देकर उसके बदले में लोहा लूंगा। मेरी यह बात उनको किसी को ठीक नहीं लगी। आखिर मुझे यह कहकर पीछा छुड़ाना पड़ा कि भाई, धन मेरे भाग्य में नहीं लिखा है, मैं तो भूख से जूझने के लिए ही जन्मा हूं, आप निरर्थक प्रयास न करें। परंतु समझ आ जाने के कारण आराधना जीवन का अंग बन गई। जो भी आराधना की, उसका नतीजा सकारात्मक ढंग से मिला। स्वामी श्री विवेकानंद जी को पढ़कर गुरु धारण करने की प्रबल इच्छा हुई, परंतु स्वामी जी ने यह भी लिखा था कि इस युग में सच्चा गुरु मिलना बहुत ही कठिन है। अतः मुझे कोई गुरु आकर्षित नहीं कर सका। दैव योग से, या यों समझिए कि गुरुदेव ने अपनी शक्ति से खींचकर मुझे बुलाया और समर्पण करवा लिया। अप्रैल 1983 में मैंने दीक्षा ली थी और 31 दिसंबर 1983 की क्रूर रात्रि ने मुझे आध्यात्मिक दृष्टि से भी अनाथ कर दिया। भौतिक पिता 3 साल से ही कम उम्र का छोड़कर चले गए और आध्यात्मिक पिता 7-8 माह के बालक की तरह संसार में अकेला छोड़ गए। गुरुदेव के ब्रह्मलीन होने से पहले मेरी मानसिक स्थिति खराब हो गई और मैं अगस्त 1983 से अकारण, बिना कोई सूचना दिए, नौकरी से घर बैठ गया। पूरे 2 साल बाद जामसर जाकर समाधि पर पूजा अर्चना के बाद कार्य पर उपस्थित हुआ। 31 दिसंबर 1983 तक जामसर जाने के कई इशारे मिले, परंतु बदकिस्मत होने के कारण मैं कुछ भी नहीं समझ सका।
इन दो सालों में काफी समय मुझे मेरे गांव में बिताना पड़ा। मानसिक परेशानी के कारण चिंतन निरंतर चलता था। एक विचार बहुत दिन तक परेशान करता रहा कि संसार के लोग अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार अपना जीवन जी रहे हैं, मैं कैसा अभागा हूँ, मेरा जीवन कैसे बीतेगा, आखिर मैं संसार में क्यों आया हूँ, काम किए बिना बच्चे क्या खाएंगे, मैं कौन हूँ, इत्यादि इत्यादि। इस चिंतन के चलते मुझे एक रात्रि को हिंदी की किसी अज्ञात पुस्तक के कुछ अंश दिखे। पूरे तो याद नहीं रहे, परंतु ऊपर नीचे और बीच की कुछ लाइनें याद रह गईं। इसके बाद एक आवाज दो बार सुनाई दी, तू यह है, तू यह है। इसके साथ ही मेरी आंख लग गई। ब्रह्म मुहूर्त का समय था और कुछ देर देखे स्वप्न और आवाज पर विचार करता रहा। मैं कुछ नहीं समझ सका कि यह मेरे चिंतन का कैसा उत्तर है। इसके दो चार दिन बाद में मेरा छोटा पुत्र स्कूल से आते समय जूता ठीक करने वाले सासी से एक फटी पुरानी पुस्तक ले आया। मुझे कोई काम तो था नहीं, समय काटने के लिए उसे पढ़ने लगा। पढ़ते पढ़ते मैं अचानक चौंक गया, क्योंकि जो भाग मुझे स्वप्न में दिखा था वह उसी पुस्तक का अंश था। मैंने उस पुस्तक को 3-4 दिन कई बार पढ़ा, परंतु मुझे कुछ भी समझ नहीं आया। सिर्फ इतना ही समझ सका कि यह ईसाई धर्म की कोई पुस्तक है। उसमें जैसे बच्चों को समझाते हैं, वैसे चित्र लकीरों से बनाकर विषय को समझाने का प्रयास किया गया था। इसके थोड़े ही दिनों बाद मेरी तबीयत ठीक हो गई और मैं कार्य पर आ गया। जब मैं शहर में आया तो मुझे जानकारी मिली कि यह सेंट जॉन के द्वारा लिखी बाइबिल का एक भाग है। मुझे जो दिखे थे वे उसके 15 विसर्ग 26, 27 एवं 16 विसर्ग 7 से 15 के अंश थे। मेरे एक अनुयायी ने मुझे हिंदी का नया नियम दिया। उसने कोई बाइबिल का कोर्स पत्राचार से किया था और वह पुस्तक उसे भेंट स्वरूप मिली थी। उसे पढ़ने पर मैं बाइबिल के बारे में कुछ समझ सका। इससे पहले बाइबिल में क्या है मैं नहीं जानता था। मैं गुरुदेव के आदेश के अनुसार 6.5 वर्ष पहले सेवानिवृत्त होकर अपने मिशन के कार्य में लग गया, क्योंकि बाइबिल में वर्णित बात मेरी आराधना पद्धति से बिल्कुल ही मेल नहीं खा रही थी। इसलिए मैंने ईसाई दर्शन की पुस्तक समझकर उसकी तरफ कुछ भी ध्यान नहीं दिया, परंतु समय समय पर मूल भाषा की बाइबिल देखने के दिशा निर्देश निरंतर होते रहे। मेरे पास श्री डूंगर महाविद्यालय के विधि कानून विभाग के एक लेक्चरर आया करते थे। एक दिन तंग आकर मैंने उनसे पूछा कि मुझे मूल भाषा की बाइबिल की आवश्यकता है, कैसे और कहां से मिलेगी। उन्होंने मुझे कहा कि पोप द्वारा अधिकृत बाइबिल मेरे पास है, मैं ला दूंगा। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि जो बात मैं देखना चाहता था उसमें बिल्कुल ही नहीं थी। मैंने उसे लौटा दिया और अपने कार्य में लग गया, परंतु मूल भाषा की बाइबिल देखने के दिशा निर्देश ने मेरा पीछा नहीं छोड़ा। आखिर तंग आकर मैंने इस संबंध में किसी ईसाई सज्जन से पूछताछ की तो पता चला कि मैं देखना तो चाहता था प्रोटेस्टेंट चर्च की बाइबिल की बातें, और मैंने देख ली कैथोलिक चर्च की बाइबिल। इस बात की जानकारी से मुझे भारी आश्चर्य हुआ। मैंने उस सज्जन से पूछा, यीशु 1 और बाइबिल 2, यह क्या बात है। उसने सिर्फ इतना ही कहा कि यह धर्म गुरुओं का झगड़ा है। मैं तो गुरु कृपा से मेरे साधकों की कुंडलिनी जागृत करके उन्हें अंतर्मुखी करता हूं। वह जागृत शक्ति साधक को पातंजलि योग दर्शन में वर्णित अष्टांग योग की स्थिति में स्वयं बदल देती है। इस प्रकार साधक इस योग दर्शन में वर्णित संपूर्ण ज्ञान की स्वयं प्रत्यक्षानुभूति और साक्षात्कार करता है। मैं उपदेश देकर उन्हें कुछ भी नहीं बताता हूं, परंतु बाइबिल में जगह जगह लिखा था कि वह सहायक तुम्हें बताएगा। बताने का संबंध कान से है, जबकि दिखाने का आंख से। जो कुछ दिखा उसका विवरण हिंदी अनुवाद के अनुसार
निम्न प्रकार से है, परंतु जब वह सहायक आएगा जिसे मैं तुम्हारे पास पिता की ओर से भेजूंगा, अर्थात सत्य का आत्मा जो पिता की ओर से निकलता है, तो वह मेरी गवाही देगा और तुम भी गवाह हो, क्योंकि तुम आरंभ से मेरे साथ हो। सेंट जॉन 16 विसर्ग 7 से 15। तो भी मैं तुमसे सच कहता हूं कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि यदि मैं ना जाऊं तो वह सहायक तुम्हारे पास ना आएगा, परंतु यदि मैं जाऊंगा तो उसे तुम्हारे पास भेज दूंगा, और वह आकर संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। पाप के विषय में इसलिए कि वे मुझ पर विश्वास नहीं करते, और धार्मिकता के विषय में इसलिए कि मैं पिता के पास जाता हूं और तुम मुझे फिर न देखोगे। न्याय के विषय में इसलिए कि संसार का सरदार दोषी ठहराया गया है। मुझे तुमसे और भी बहुत सी बातें कहनी हैं, परंतु अभी तक तुम उन्हें सह नहीं सकते। परंतु जब अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से नहीं कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें दिखाएगा बताएगा। वह मेरी महिमा करेगा, क्योंकि वह मेरी बातों में से लेकर तुम्हें दिखाएगा बताएगा। जो कुछ पिता का है वह सब मेरा है, इसलिए मैंने कहा कि वह मेरी बातों में से लेकर तुम्हें दिखाएगा बताएगा। उपरोक्त भविष्यवाणियों को लेकर पिछले 1500 सालों में कितने लोगों ने उस सहायक के होने की घोषणा की, उस पर विस्तार से लिखना निरर्थक है, क्योंकि उन सब लोगों की तो इतिहास साक्षी देता है। परंतु विश्व भर के यहूदियों ने, जो इस बाइबल पर विश्वास करते हैं, अभी तक किसी को स्वीकार नहीं किया, परंतु आज भी उनकी मान्यता है कि वह अपनी बात के अनुसार अवश्य आवेगा, क्योंकि वह पवित्र आत्मा छाती ठोक ठोक कर कह गया है कि आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे, परंतु मेरी बातें कभी न टलेंगी। अतः इस ग्रंथ के मानने वाले मनीषियों को विश्व की कोई भी शक्ति भ्रमित और गुमराह नहीं कर सकती है। ये अच्छी प्रकार से समझते हैं कि उस सहायक के आने का क्या अर्थ होता है। इस संबंध में उस पवित्र आत्मा ने सेंट मैथ्यू के 21 विसर्ग 11 से 14 एवं 34 से 36 में स्पष्ट दिशा निर्देश दिया है। और बहुत से झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बहुतों को भरमाएंगे, और अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा, परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। और राज्य का यह सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा कि सब जातियों पर गवाही हो, तब अंत आ जाएगा। 24 विसर्ग 34 से 36। मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तक ये सब बातें पूरी ना हो लें, तब तक यह पीढ़ी जाती ना रहेगी। आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे, परंतु मेरी बातें कभी ना टलेंगी। उस दिन और उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, न स्वर्ग के दूत और न पुत्र, परंतु केवल पिता। मलाकी के द्वारा इज़राइल के विषय में कहा हुआ यहोवा का भारी वचन, मलाकी 4 विसर्ग 5 और 6। देखो, यहोवा के उस बड़े और भयानक दिन के आने से पहले मैं तुम्हारे पास एलियाह नबी को भेजूंगा, और वह माता पिता के मन को उनके पुत्रों की ओर और पुत्रों के मन को उनके माता पिता की ओर फेरेगा। ऐसा ना हो कि मैं आकर पृथ्वी को सत्यानाश करूं। सेंट ल्यूक 12 विसर्ग 53। यीशु ने श्राप दिया था कि अब से पिता पुत्र से और पुत्र पिता से विरोध रखेगा, माँ बेटी से और बेटी माँ से, सास बहू से और बहू सास से विरोध रखेगी। इससे स्पष्ट होता है कि जो एलियाह नबी आवेगा वह यीशु द्वारा श्रापित लोगों को शांति पहुंचाएगा, जिनमें थोड़ी सी धार्मिक भावना शेष होगी, परंतु जिनकी धार्मिक भावनाएं पूर्ण रूप से मर चुकी होंगी उन्हें कोई नहीं बचा सकेगा।
यही बात भगवान ने गीता के 11वें अध्याय के 33वें श्लोक में कहा है, ये सब शूरवीर पहले से ही मेरे द्वारा मारे हुए हैं, हे अर्जुन तू तो केवल निमित्त मात्र ही हो जा। बाइबिल यही बात पुनः दोहराती है और कुछ नहीं। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। माइक ऑन कीजिए, माइक माइक ऑन करें, माइक माइक। जय गुरुदेव। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वर गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अध्यात्म विज्ञान सत्संग केंद्र के नियमानुसार चलने वाले इस कार्यक्रम में आप सब लोगों का, सभी गुरु भाई और गुरु बहनों का स्वागत है। गुरु भाई, ये सब लोगों के माइक अनलॉक दिखा रहे हैं, प्लीज ये आप वो कर दीजिए इनको। और ठीक है, जय गुरुदेव। इस कार्यक्रम में सुबह और शाम हम नियमित रूप से ध्यान करते हैं। सुबह ध्यान करने का समय 5:15 से 5:30 रहता है और शाम को ध्यान करने का समय 7:30 से 7:45 तक होता है। उसके बाद हम लोग गुरु चर्चा करते हैं, जिसका कोई प्रश्न हो, जिज्ञासा हो, उसके बारे में बात करते हैं, या किसी भी प्रकार की कोई भी अनुभूति हो उसको भी हम साझा करते हैं। मैं इस कार्यक्रम का उद्देश्य अधिक से अधिक गुरु भाइयों तक ये मैसेज जाना है कि गुरुदेव द्वारा क्या बताया गया है और गुरुदेव के दर्शन से क्या फायदा होता है, और हर चीज को हम गुरुदेव की वाणी से, गुरुदेव की दिव्य वाणी से जोड़ें, ताकि हम अधिक से अधिक गुरुदेव की वाणी को समझ पाएं और यहाँ पे साझा कर पाएं। मैं जितने भी नए गुरु भाई आए हैं उनसे स्वागत करूंगा, उनका स्वागत करूंगा कि वो अपना हैंड रेज करें और वन बाई वन अपने बारे में बताएं और थोड़ा अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। कोई जिज्ञासा शेयर करते हो तो वो भी कर सकते हैं। थोड़ी देर पहले एक गुरु बहन थी, आई थिंक कुछ सीता जी गुरु बहन थी, यदि वो हैं तो उनका स्वागत है प्लीज। उनका कैमरा ऑन था, चलो वो लोग आते हैं। उससे पहले मैं एडमिन टीम से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि वो थोड़ा देख लें, यदि कोई नया गुरु भाई एक गुरु बहन आए हैं तो उनको पर्सनली रिक्वेस्ट करें। अच्छा, सीता गुरु बहन आ गई हैं। गुरु बहन स्वागत है आपका। जय गुरुदेव जी। गुरु बहन अच्छा लगा भैया, ध्यान बहुत अच्छा लगा। गुरु बहन आपसे मैं छोटा सा इंट्रोडक्शन चाहूंगा, कब जुड़े आप गुरुदेव से, कैसे जुड़ना हुआ आपका? प्रीति भैया। हाँ जी। 2018 जनवरी से। अच्छा अच्छा अच्छा, कहाँ से जुड़ते हैं गुरु बहन आप? मैं पुणे से हूँ। अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया, ठीक है। गुरु बहन कैसे जुड़ना, किसने बताया आपको, या अपना थोड़ा जर्नी बताएं? मुझे ऐसा 2009 से थोड़ा मालूम था गुरुदेव के बारे में। मैं जोधपुर से ही हूँ ना, मेरा गांव तो उधर ही है। हाँ, रहती पुणे में हूँ। तो कुछ थोड़ा प्रॉब्लम रहा था, मेरी तबीयत वगैरह बहुत बिगड़ गई थी, तो एक गुरु भाई ने मुझे बताया था, वो पाली में रहते हैं, सुनील सिरमाल जी, उन्होंने बताया आप ध्यान। मैंने किया और तबीयत भी ठीक हो गई थी मेरी। अब फिर से थोड़ा कुछ प्रॉब्लम बिजनेस का कुछ, तो बीच में मैं थोड़ा डिस्टर्ब हो गई थी, अभी बरोबर नहीं चल रही है साधना, इसीलिए। बहुत बढ़िया गुरु बहन, बहुत बढ़िया। मुझे बहुत प्रॉब्लम थी, बताया था डॉक्टर लोगों ने कि आप सेकंड स्टेज पे हो, तो हम लोग बहुत डर गए थे। तो ध्यान करने के बाद 15 दिन में क्लियर हो गया, फिर से रिपोर्ट निकाला तो कुछ भी नहीं आया। क्या बीमारी थी गुरु बहन? ब्रेस्ट में कैंसर था बोल रहे, सेकंड स्टेज पे हो आप। हाँ। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। मतलब गुरु बहन इतनी बड़ी बात को आपने इतने कम शब्दों में बता दी, मतलब आज ये दुनिया हाहाकार मचा हुआ है इस बीमारी से। और मैं ये देखता हूँ, पहले गुरुदेव भगवान बोला करते थे कि यूएस यूके के अंदर, वेस्टर्न के अंदर हर तीसरे आदमी को कैंसर है, बट अभी ये चीज इंडिया में भी देखने को मिल रही है कि बहुत ज्यादा इस बीमारी से लोग मर रहे हैं, रियलिटी में लोग मर रहे हैं इससे।
तो आपकी ये जो जर्नी रही, जो कैंसर ठीक हुआ, थोड़ा मैं चाहूंगा गुरु बहन थोड़ा एक्सप्लेन करें, और ताकि सब गुरु भाइयों को और नए लोगों को ये मैसेज जाए कि किस प्रकार से सिद्ध योग से एक कैंसर जैसी भयानक बीमारी ठीक हो रही है। प्रॉब्लम हो गई थी सर इतना कि बस वो ऐसा सुनी ना बीमारी के बारे में तो मैं डिप्रेशन में चली गई थी। ऐसे डॉक्टर लोगों ने बोला आप सेकंड स्टेज पे चले गए हो, ऐसा ऐसा सुने थे, एकदम डिप्रेशन में चली गई थी। एक दो महीना मुझे नींद नहीं थी बिल्कुल। तो फिर ये ध्यान के बारे में मैं सुनी तो बोले ध्यान से कैसे ठीक होंगी नहीं होंगी, बच्चे छोटे, ये बहुत टेंशन में थी। फिर ध्यान करने लगी तो दो तीन दिन तो कुछ नहीं हुआ, उसके बाद में ऐसे ध्यान करने बैठी तो अंदर से एकदम पूरा अपना दीपक की ज्योत कैसे निकलती, वैसे अंदर से ऐसे जालन बाहर निकली और इधर पूरा ऐसे नंगाड़े कैसे बजते वैसे एक्सरसाइज हुई अंदर छाती में जी। फिर थोड़ा ठीक लगा। फिर उसके बाद में फिर भी मैं गुरुदेव से रोज प्रार्थना करती रही, गुरुदेव मैं ठीक होंगी कि नहीं होंगी। तो गुरुदेव ने ऐसे नींद में सोई थी सपने में मेरी सर्जरी की गुरुदेव ने। ओ, पास बड़ी लाइट लग रही मेरे ऊपर और गुरुदेव डॉक्टर को बता रहे ऐसे ऐसा करो, तो ऑपरेशन किया गुरुदेव ने खुद ने बाजू में खड़ा रह के। बोलो कल की भगवान की जय। जय जय उसके बाद में ये प्रॉब्लम ठीक हुई तो घर की प्रॉब्लम चालू हो गई, तो घर की प्रॉब्लम भी अब ठीक हो गई। अभी थोड़ा बिजनेस का चल रहा है, बाकी सब ठीक है। गुरुबहन इस दुनिया में सबसे बड़ा तो शारीरिक सुखी है अपना, और वो गुरुदेव भगवान ने आपको इतनी दया की करुणा की। मैं तो यही बोलूंगा कि इससे बड़ा गिफ्ट कोई नहीं दे सकते आपको। गुरुदेव ने नई जिंदगी थी, बहुत रो रही थी मैं, बहुत मैं कैसे ठीक होंगी, क्योंकि मेरी मम्मी को भी यही प्रॉब्लम थी। तो मेरी मम्मी तो ठीक नहीं हो पाई थी, तो मैं ऐसा सोच रही थी मैं भी ऐसे ही मर जाऊंगी ऐसा। तो गुरुदेव ने बोला टेंशन मत कर ठीक हो जाएंगे, मैं तेरा ऑपरेशन कर दिया बस। तो ऑपरेशन करने के बाद मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं, कभी दर्द नहीं, मैंने एक गोली भी नहीं लिया इसके लिए। गुरुबेन आज आपकी बात को सुन के यह है, मतलब पहले भी कई बार प्रमाणित किया है गुरुदेव ने, आज दोबारा बार बार मतलब बहुत स्पष्ट शब्दों में आपसे ये समझने को मिल रहा है कि गुरुदेव के द्वारा सिद्ध योग से असाध्य बीमारियां, जिसे डॉक्टर बोलता है एड्स, कैंसर, हीमोफीलिया, डायबिटीज, जिससे भी जो भी नाम दे या ना दे पाए, इस दुनिया में यदि उनके नाम भी नहीं है, वो बीमारी गुरुदेव कहते हैं कि कुंडलिनी शक्ति के जागृत होने से अपने आप योग करवाने से ठीक होती है। आज की यदि स्पीच जो अपने गुरु भाई अपना गुरुदेव की लेखनी को जो पढ़ रहे थे, उसमें भी गुरुदेव ने इसका जिक्र किया कि हर जाति से, हर समुदाय से इसकी गवाह देगा, मतलब चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, हर व्यक्ति जब तक इसके जब इसकी गवाह देगा कि हाँ इससे ये परिवर्तन आता है और ये फायदा होता है और इस प्रकार से परिवर्तन आता है, तब ये दुनिया में परिवर्तन हो जाएगा। तो गुरुबहन सेंटेंस बहुत कम समझ में आते हैं गुरुदेव के, बट ये लाइव एग्जाम्पल गुरुदेव ने हमें बना दिए हैं, मजा आ गया। गुरुबहन बताओ जुड़ने के लिए, मगर हो ही नहीं रहा था मैं कैसे जुड़ू, मुझे लिंक नहीं मालूम था, बच्चे लोग घर पे नहीं रहते, कैसे जुड़ना क्या करना। फिर अचानक ही परसों यूट्यूब में देख रही थी तो हिंगू भाई का नंबर मिला मुझे, तो मैं उनको फोन करी भैया मुझे भी ज्वाइन करो लाइव सेशन में, तो बोले हाँ बहन ठीक है, तो कल लिंक भेजा तो आज में ज्वाइन हो गई ऐसे। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। फिर उसके बाद में मेरे बात धर्मेंद्र से भी बात की, धर्मेंद्र शर्मा जी है ना, उनसे भी मैं बात की थी, बोले बहन ठीक हो जाओगे आप ध्यान करते जाओ करते जाओ। फिर भी मैं विश्वास नहीं करी थी। फिर उसके बाद में घर में बहुत प्रॉब्लम बढ़ गई, मेरी बीमारी तो ठीक हो गई मगर घर में प्रॉब्लम हो गई, तो हम लोग बहुत झगड़े कर रहे थे घर में, तो गुरुदेव वो भी सॉल्व करे, सपने में आके मेरे घर में आए, वो बेटा दरी लेके आओ बैठो इधर, तो दरी बिछाए बैठे, मुझे समझाया मुझे बेटा तू इसके लिए घर खराब नहीं करना, तेरा सब ठीक हो जाएगा। मैं जाने वाली थी घर छोड़ के, बोले मुझे रहना ही नहीं है, बस मैं रोज दोनों जने का झगड़ा होता है और बच्चे भी परेशान है, अब घर छोड़ने वाली हूँ। तो उसी दिन एक दिन पहले गुरुदेव ने बता दिया बेटा बैठ मैं तेरे घर में आया हूँ, देख मेरे से बात कर, तो मुझे पूरा समझाया आगे तेरा सब ठीक होगा, तू घर छोड़ के कहीं नहीं जाएगी, इतना भी हुआ था मुझे। और तो अनुभूतियां बहुत है और बहुत है, मगर ऐसा हुआ मुझे तो गुरुदेव ने नया जन्म दिया है। रुबन रिक्वेस्ट करूंगा, सारी तो अपन नहीं ले पाएंगे, बट दो तीन जो आपकी अनुभूतियां रही हैं जो आपको लगता है यहाँ साझा करें,
यहाँ पे करीब 50 से 60 गुरु, आज करीब 85 गुरु भाई जुड़े हुए हैं। सब गुरु भाई अपने मतलब बहुत प्यारे हैं, गुरु भाई गुरु बहने हैं हमारी, तो सब इसी आस में है। मैं एक भाई एक उनको भी रिक्वेस्ट करूंगा, वो भी चाहेंगे आपसे सब बात करें। सबका स्वागत है गुरु भाई और गुरु बहन एक एक करके, और आप अपनी अनुभूतियां जारी रखें गुरु बहन। ठीक है गुरु भाई, जय गुरु जी। आप अपनी अनुभूति बताएं गुरु बहन। और तो देखो मैं पुणे में, पहला हैदराबाद में थी, जब मुझे बीमारी हुई ना, जब मैं हैदराबाद में थी उधर बहुत झगड़ा वगैरह चल रहा था, फिर मेरी एक सिस्टर थी उधर, उनका वो भी गुजर गई, और उसके बाद में वो केस वगैरह सब हुआ तो हम लोगों को कुछ कार्य नहीं लगा। उसके बाद में मैं गुरुदेव से प्रार्थना करी, अब मैं यहाँ कैसे रहूंगी, अब मेरी दीदी का इतना लपड़ा हो गया, क्या मालूम उन्होंने मारा क्या करा, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मेरे भाई लोगों ने केस किया तो मैं भी डर गई थी, तो गुरुदेव की कृपा से मैं इधर पुणे में आ गई, वहां का सब बेच के गुरुदेव ने यहाँ ला दिया सब, यहाँ पुणे में। पहले मैं पुणे में थी, फिर से मुझे पुणे में ला दिया गुरुदेव ने, बेटा तू वहां चल, वहां ठीक हो जाएगा। तो इधर बिजनेस अच्छा ही था, अभी थोड़ा बिजनेस खराब हो गया है, मगर वो क्या मालूम किसकी वजह से हुआ। बाकी साधना मेरी अच्छी चल रही है, और जो भी भगवान का दिन आता ना, जैसे बुद्ध भगवान का दिन आया तो बुद्ध भगवान का दर्शन हुआ, हनुमान जयंती के दिन हनुमान जी मेरे सामने ऐसे गोड़ी लगा के बैठे, जो ऐसा होता ना तो मुझे भगवान ध्यान में दिख जाते। ऐसा भगवान ने भर दिया, मतलब आध्यात्मिक धन भर दिया, भौतिकता भर दी, सारा भर दिया आपकी झोली में। अभी नया घर में आई ना, अभी 6 महीने हो गए घर में आके, नया घर में आई तो गुरुदेव के हिसाब से पूजा की, गुरुदेव को बोली आप चलो आप ही का घर है, तो ध्यान में मुझे गुरु का चरण ऐसे अंदर आते हुए दिखे मेरे घर में, बेटा मैं तेरे घर में ही हूँ। और फिर भी मैं बोले गुरुदेव आप दिख तो नहीं रहे, कहा हो, तो फिर मैं सो ना तो एक व्हाइट सॉप पे देखो गुरुदेव की फोटो आती रहती है, वो फोटो मेरे सामने खड़ी हो जाती है, तेरे घर में ही हूँ। जय हो, बोलो कल्कि भगवान की जय हो। पीड़ा तो सब दूर हो गई गुरुदेव की कृपा से, एकदम स्वस्थ हूँ। गुरु बहन तो, आप मतलब गुरुदेव ने आपको ऐसा तैयार किया है, आपके माध्यम से हजारों लाखों करोड़ों गुरु भाई और गुरु बहन को मोटिवेशन मिलेगा इससे, और जो सीरियसली आराधना नहीं करते हैं उनके लिए आप एक प्रेरणा के स्रोत बनेंगे। और जी गुरु बहन, मैं अपने साथ बहुत सारे गुरु भाई और गुरु बहन जुड़े हुए हैं, मैं एक एक से रिक्वेस्ट करूंगा कि गुरु बहन से यदि बात करना चाहें तो सब बात करें प्लीज। क्रांति बहन आपका स्वागत है, प्लीज गुरु बहन से बात करें। जी क्रांति बहन स्वागत है आपका। जय गुरुदेव। गुरु बहन वो शुरू वाला अनुभव वापस बताओ, जो आपने बताया ना वो क्या अग्नि की जैसे ऊपर आया और छाती में नगाड़े, कुछ वापस बताइए। जय गुरुदेव। गुरु बहन मुझे मुझे ऐसा प्रॉब्लम था ना गुरु बहन, तो मैं ध्यान कर रही थी ना तो मुझे विश्वास नहीं हुआ मैं ठीक होंगी कि नहीं। रोज ऐसे बैठती थी, दीपक लगाती गुरुदेव को, ध्यान में बैठती, मैं बोली गुरुदेव सबको तो ऐसा हो रहा, मुझे कुछ हो ही नहीं रहा, मैं ठीक होंगी कि नहीं। तो अचानक ऐसे मैं तो ध्यान में बैठी हूँ, अपने ऐसे अंगार आग कैसे लगती, वैसे मेरे बॉडी में से पूरा ऐसे आग लग के ऊपर से निकल गई, गर्म गर्म हवा पूरी निकल गई और एकदम हल्का महसूस करी मैं। फिर भी मैं बोली ये क्या निकला, क्या हुआ, घर में सबको बताई तो बोले कुछ किया कर रहा होगा तो वो निकल गया होगा। फिर 2-3 दिन बाद में ऐसा हुआ एक्सरसाइज होने लगी अंदर, पूरे ऐसे अपने ढोल कैसे बजते वैसे ध्यान में अंदर पूरा ऐसे ढोल की साउंड आ रहा, एकदम फुल एक्सरसाइज हो रही थी, योगी क्रिया फुल बाहर से भी हो रही अंदर से भी हो रही। तो फिर 15 दिन बाद में डॉक्टर ने वापस बुलाया था रिपोर्ट के लिए, तो वापस गई तो कुछ भी नहीं निकला। डॉक्टर ने भी बोला आपने कौन सा इलाज किया, मैं बोले मैंने कौन सा भी इलाज नहीं किया, मेरे गुरुदेव ने इलाज किया है। तो वो डॉक्टर हंस रहे बोले गुरुदेव ऐसे कैसे इलाज कर दिया, मैं बोला नहीं अभी तो बहन जी आप दवा लो आपको जरूरत है, मैं बोले नहीं मेरे गुरुदेव ही अब ठीक करेगी, मैंने दवा बंद कर दिया ऐसे। तो गुरु के शुरू में बायोप्सी हुई थी क्या? हाँ? आपकी जो ब्रेस्ट आपके बायोप्सी मिली थी क्या, डॉक्टर ने बायोप्सी करी थी क्या ब्रेस्ट ब्रेस्ट की? करी थी मैडम, करी थी गुरु बहन बायोप्सी करी थी। हाँ? बायोप्सी रिपोर्ट आई थी, बायोप्सी रिपोर्ट नहीं आया था आपके जो बता रहे हैं आप कैंसर बता रहे हैं ना, ठीक हो गई, मैंने रिपोर्ट भी रखी नहीं ऐसा। 3 बार रिपोर्ट निकाली थी
ठीक हो गई ना, तो 6-6 महीने से मैं ऐसे रोज के लिए जाती थी, 6 महीने में मेरा सोनोग्राफी होना, वो होना, सब होता था, मगर मैं ठीक होने के बाद मैंने पूरा सब बाहर फेंक दिया, क्योंकि हैदराबाद से मैंने बाहर, मगर ये पूरा है ना मेरा, ये जो 3 महीने तक मैंने दवा लिया, फिर डॉक्टर ने बोला आप सेकंड स्टेज पे चले गए हो, अब आपको ऐसा करना पड़ेगा, वो कीमोथेरेपी देना पड़ेगा, सब डॉक्टरों ने बोला, मगर मैंने ऐसे नहीं करवाया। जब तक मुझे गुरु का मंत्र मिल गया तो मैं ध्यान से ठीक हो, ऐसा। आपकी माता जी को जब हुआ था, तो जब आपकी माता जी के हुआ था तो आप उस टाइम गुरुदेव के संपर्क में नहीं आए थे क्या? नहीं, माता जी को तो बहुत पहले, मेरी शादी से पहले ही माता जी गुजर गई थी। अच्छा, 97 में ऐसा, हाँ उस टाइम में गुजर गई थी मम्मी। अच्छा, आपकी एज कितनी है गुरु बहन, उम्र? मेरी ना 42। ओके गुरु बहन, वाह बहुत सुंदर, जय गुरुदेव। गुरुबन, शुरुआत में जब आपका ये डिटेक्ट हुआ, किस हॉस्पिटल में थे आप प्लीज, मतलब किस हॉस्पिटल ने आपको ये डिक्लेयर किया? आंध्र में, हैदराबाद में, यो आयुर्वेदिक कोटा कल रहता ना, केरल का कोटा कल हॉस्पिटल, उधर अपोलो में। हाँ, अपोलो में, अपोलो में। और अभी रिसेंट जी, पंकज जी भाई साहब स्वागत है आपका। आप पूछिए भाई साहब। गुरुवर, मेरा ये बोलना था कि मतलब वैसे इसका डेफिनेटली आप जो बोल रहे हैं, गुरु प्रेम के अलावा इसकी कोई लिमिटेशन नहीं है, अपरंपार है, मतलब है ना। बट मैं क्या कि जो ये बुद्धिजीवी गुरु भाई हैं, गुरु बहने हैं, या जिनका ध्यान नहीं लगता है, वो ध्यान करने की कोशिश करते हैं, उनके लिए ये सवाल कर रहा हूँ आपसे कि जो ये आपकी रिपोर्ट आई है, इस रिपोर्ट के बेस के ऊपर शरीर बिल्कुल ठीक है आपका, बट कंपेरेटिवली कोई 6 महीने, साल भर के बाद, 2 साल के बाद में कोई रिपोर्ट करवाइए अपने कि उसमें नेगेटिव। अभी तो कुछ भी नहीं करे 4 साल से, 18 में रिपोर्ट आई थी, उस टाइम ये मुझे प्रॉब्लम आई थी, 2-3 टाइम मैंने निकाली थी, उसके मेरा वजन भी उस टाइम बहुत कम हो गया था, 8-10 किलो वजन भी कम हो गया था, फिर ध्यान करने लगी, 3 महीने के अंदर मेरा शरीर एकदम बरोबर हो गया, वजन वापस बरोबर लेवल में आ गया, तो मैंने कोई डॉक्टर के पास गई नहीं वापस, ऐसे छोटी मोटी प्रॉब्लम होती, बुखार वगैरह आया तो जाती हूँ, मगर इस बीमारी के लिए नहीं गई। बहुत बढ़िया गुरुवन, मतलब ये प्रमाण कर दिया कि इस दुनिया में गुरुदेव से अच्छा, गुरुदेव से सिंपल, गुरुदेव से बेस्ट कोई तरीका नहीं है इस दुनिया में। अभी कुछ दर्द हुआ नहीं, कुछ भी नहीं, और वो टेंशन भी चला गया पूरा, 2 महीने डिप्रेशन में रहे ना बीमारी का सुन के, वो भी चला गया, नींद नहीं आ रही थी, अब नींद में ही आ रही है, सब हो रहा है। फिर उसके बाद जोधपुर आश्रम में जाके आई, जामसर भी जाके आई, गुरुदेव की समाधि भी जाकर आई, सब ठीक है, मगर ये बीमारी को लेके मुझे चेकअप कराने की जरूरत ही नहीं पड़ी, प्रॉब्लम ही नहीं हुआ ना, तो मैंने कराया नहीं। बहुत गुरुदेव ऐसे ही दया बनाए रखे हैं। अगर कुछ रिपोर्ट वगैरह होगी तो मैं ढूंढ के आपको भेज दूंगी। कोई जरूरत नहीं है गुरु बहन, आप प्रमाणित है, सबसे बड़े आप है। स्वागत है जी आपका। जी गुरु बहन की बातें सुन के एकदम रोंगटे खड़े हो रहे हैं, और वो इस बात से नहीं कि कैंसर ठीक हुआ है, इस बात से ज्यादा कि गुरुदेव की कितनी कृपा होती है हम पे, जिसका हम अंदाजा नहीं लगा पाते, अंदाजा नहीं लगा पाते, बरोबर है, खुद ऑपरेशन करते देखो। हाँ, मतलब प्रॉब्लम नहीं थी, फिर भी मैंने गुरुदेव से प्रार्थना की, मैं जो वापस हो गए तो क्या करूंगी गुरु, गुरुदेव मुझे ठीक करो, पूरा ठीक करो, कभी कभी दर्द हो रहा है, तो गुरुदेव बोले मैं तेरा सर्जरी कर दिया, अब कुछ भी नहीं होने वाला है, पागल हो गई कि आ रहे, मेरा गुरुदेव ने किया सुबह 4 बजे की टाइम, ऑपरेशन हो गया बेटा, तू क्लियर, हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, तो आज ये 5वां साल चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ऐसा नया जन्म दिया जी, मतलब मतलब ये गुरु बहन आपका कहने का मतलब एक दिन में ठीक हो गया था क्या आपका? 15 दिन लगे थे, 15 दिन। अच्छा, 15 दिन लगे आप। बोली ना, मैं एक हफ्ते तो मुझे ध्यान नहीं लगा, कुछ भी नहीं हुआ, उल्टा मैं टेंशन में ज्यादा आ गई थी, मैं ठीक होंगी नहीं होंगी, लोगों का देखती थी, भूख वगैरह आती थी ना घर पे, तो उसमें देखती थी किसी को हो रही, किसी को 15 दिन में ठीक हो जाए, मैं बोले गुरुदेव मुझे तो हफ्ता हो गया, आपने दर्शन भी नहीं दिए, मैं कैसे ठीक होंगी, ऐसे बोल रही थी, तो फिर अचानक वो अंदर से पूरा ऐसा अग्नि जैसा निकल गया, एक दिन तो ऐसा हुआ,
और फिर उसके बाद में 7-8 दिन तक एक्सरसाइज होती रही, मैं अंदर से ऐसे ढोल बज रहा जैसे ऐसे अंदर साउंड आ रहा, तो मैं डर गई ये क्या हो रहा है। 15 मिनट ध्यान में ऐसे होता था, उसके बाद में अंदर का बंद हो गया। अभी बाहर की योगी क्रिया तो मुझे अभी भी रोज होती है, अभी भी होती है ऐसे। और कभी वजन बढ़ गया ना, गुरुदेव से प्रार्थना करती हूँ, गुरुदेव मेरा वजन बढ़ रहा है, फुल योगी क्रिया होगी, वजन रेवल हो जाता। इतना गुरुदेव का है। कभी बोलूंगी मैं पतली हो रही हूँ तो फिर 2-3 दिन के अंदर वजन बरोबर रेवल में। हिंगू भाई स्वागत करूंगा आपका भी, आए प्लीज हिंगू भाई। और दीपक का रोल मैं बनता ही गया, अभी भी बताती हूँ। अच्छा मैं गुरु बहन से एक और निवेदन करना चाह रहा था कि बहुत सुंदर गुरु बहन, आपकी रिपोर्ट से जोधपुर आश्रम तो भिजवाई दीजिए अगर मिल जाए तो, जो अपना आश्रम है वहाँ पे यदि आपको मिल जाए रिपोर्ट्स तो आप भिजवा सकते हैं। कोई बात नहीं, अगर रिपोर्ट ना भी मिले तब भी आप एक अपना अनुभव जो भी है वो लिख के आप भेज सकते हैं। और आश्रम के नंबर तो आप सभी को पता ही हैं, और वो फिर क्या वेबसाइट पे भी डाल देते हैं जो अच्छी अनुभूतियां होती है, तो उससे सभी लोगों को लाभ मिलता है। ठीक है, जय गुरुदेव गुरु बहन, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आप अपनी आध्यात्मिक अनुभूतियां और बता सकते हैं चाहे। जय गुरु, अभी तो इतना ही हुआ, और कभी कभी और आगे आगे बताते रहते, कोई प्रॉब्लम में रहती हूँ तो गुरुदेव दर्शन देते रहते, हंसते रहते, ठीक हो जाएगा ऐसा। अब बिजनेस तो देखिए, अभी 5-6 महीना हो गया, क्या हो गया कि बिजनेस मेरा पूरा खराब हो गया। पार्टनरशिप में दुकान है ना इधर, वहाँ पे अकेला का था, वो एक पार्टनरशिप अच्छा नहीं निकला तो उन्होंने पूरा चोरी वीरी करके दुकान को पूरा रेवल कर दिया। तो वो हिसाब के लिए 6 महीने से अटके रोज प्रार्थना करती, गुरुदेव ठीक कर दो, बिजनेस के बिना क्या करेंगे। वो भी होएगा, गुरुदेव से प्रार्थना कर रही हूँ, करेंगे ठीक, बाकी कोई परेशानी नहीं। गुरुबन, गुरुदेव ने मतलब गुरुदेव से जो एक बार बात हो रही थी तो गुरुदेव से बोला कि गुरुदेव जब आप है तो हम आपसे सलाह मशवरा बातचीत कर लेते हैं, और जैसे ही आप आपका शरीर इस धरती पे नहीं रहेगा तो हमें कौन सॉल्यूशन देगा। तो गुरुदेव ने बोला कि बेटा मैं रहूं ना रहूं मेरी फोटो बोलेगी। गुरुदेव का बोलने का है कि मेरी फोटो ही आपको जवाब देगी। ये सेंटेंस गले नहीं उतरता है बहुत जल्दी, बट उसका प्रमाण आज आप दे रहे हैं कि हर क्षण जब जब समस्या आई आपके साथ गुरुदेव खड़े हुए हैं, गुरुदेव ने आपको दिशा निर्देश दिया है। तो ये सत्य है कि जो गुरुदेव ने बातें बताई हैं उनके प्रमाण हमारे माध्यम से गुरुदेव हमें दे रहे हैं, है ना। उसके जीते जागते गवाह हम लोग हैं। तो गुरुदेव ने बोला है कि मैं नहीं, मेरी फोटो ही आपको जवाब देगी, मेरी फोटो ही आपको दिशा निर्देशित करेगी, उसी से सब कुछ मिलेगा आपको। तो मतलब आनंद आ गया गुरुबहन, मैं यही बोलूंगा। और गुरु भाई और गुरु बहन से रिक्वेस्ट करूंगा, गुरु बहन से जो भी बात करनी है चर्चा करिए, आपका स्वागत है, प्लीज सब चाहेंगे एक एक करके। गुरु भाई मनोरमा जी, चोतमल जी आपका स्वागत है भाई साहब। अनिर्बन जी भाई साहब स्पॉटलाइट करें प्लीज। जी स्वागत है गुरु भाई, जय गुरुदेव। गुरु बहन सीता जी चौधरी, गुरु बहन लगभग आपको 4 साल हो गए आराधना करते हुए गुरुदेव से के सानिध्य में, और गुरुदेव का जो युग का आनंद है वो लेते हुए। तो मेरा एक सार्वजनिक प्रश्न आपसे है कि जैसे आपको 15 दिन आपने साधना की और आपको रिजल्ट मिला, लेकिन उससे पहले 7 दिन आपके मन में ये रहा कि भाई मेरे बीमारी कब मिटेगी, गुरुदेव मेरा कब ठीक होगा, तो वो जो धैर्य आपका आपने बनाए रखा, इस तरह से मान लीजिए किसी के काफी लंबे समय तक साधना कर रहा है व्यक्ति और फिर भी वो बीमारी से जूझ रहा है, इससे कई प्रश्न आते हैं सेशन में, तो उन लोगों के लिए आप क्या जवाब देंगे कि क्योंकि वो साधना भी कर रहे हैं, योगी क्रिया भी हो रही है,
लेकिन मान लीजिए उनको कोई बीमारी है और वो ठीक नहीं हो रही, तो उन लोगों को आप क्या सलाह देना चाहेंगे? समर्पण रखेंगे तो होगा, मैंने समर्पण कर लिया, मेरा जीवन तो आप ही बचाने वाले, बाकी तो कोई है नहीं, ये बीमारी से तो कोई आदमी आज तक बचा नहीं, आप ही गुरुदेव बचाने वाले हो। ऐसे 6-7 दिन तक मुझे भरोसा नहीं आया, जब तक कुछ भी नहीं हुआ, फिर बाद में जो मुझे जोड़े ना वो गुरु भाई ने बोले आप विश्वास रखो आप 100% ठीक हो जाओगे, तो मैंने गुरुदेव से करुण प्रार्थना करी मुझे ठीक करो, तो उसके बाद में योगी क्रिया वगैरह चालू हुई, मैं ठीक हो गई। ये भी कर रहा है, सब कर रहे ध्यान, एक बच्चा नहीं कर रहा, वो नहीं जुड़ रहा है, बाकी सब कर रहे। गुरु बहन आप पूरी तरह से कॉन्फिडेंट हो गए कि गुरुदेव के सिद्धि योग से कोई भी ऐसा रोग नहीं है जो नहीं मिट सकता है, कोई भी असाध्य रोग है ठीक हो जाएंगे? 100% कौन सी भी बीमारी होने दो, गुरुदेव का ध्यान करेंगे, समर्पण करेंगे तो 100% ठीक हो जाएंगे। समर्पण कुछ भी नहीं है भैया, अपन ऐसे ध्यान कर लेंगे बैठ गए, हाँ मैं जुड़ी हुई गुरुदेव से, तो ठीक थोड़ी होंगे, समर्पण करना पड़ेगा। जी गुरु बहन, एक और चीज आपसे, मेरी बहन है उनको भी मैंने जोड़, गुरुदेव की कृपा से वो भी जुड़ी है, मगर वो खाली ध्यान करती है कि करती है, वो बरोबर सीरियस नहीं ले रही, तो उनकी बीमारी नहीं कटी, उनको भी अस्थमा है, तो मैं जुड़ने के 6 महीने बाद में वो भी जुड़ गई, मगर वो रोज मुझे बोलती है मैं ठीक क्यों नहीं हो रही हूँ, तो मैं बोले बरोबर समर्पण करोगे तो ठीक हो जाऊंगे, मैं तो हो गई ना ऐसे, मेरा तो रिपोर्ट वगैरह सब है पूरा बीमारी के बारे में, सब लोग टेंशन भी करने लगे अब क्या होगा, बच्चे छोटे हैं, अभी बीमारी ठीक होने वाली नहीं है, पूरे पैसे चले जाएंगे, बहुत डिप्रेशन में आ गए ऐसा, अगर गुरुदेव ने एक पैसा खर्च नहीं होने दिया, जब हुआ उसके बाद में नहीं, जुड़ने के बाद तो कुछ भी नहीं। की डेफिनेशन तो गुरु प्रेम ही है बस, गुरु के साथ गुरु प्रेम, नहीं तो कुछ भी नहीं, बिल्कुल बरोबर जुड़ेंगे। कोई कोई बोलते कि दूसरे पूजा बंद कर दो, मैं तो ये पूजा भी करती हूँ, मेरे घर में कुलदेवी वगैरह है ना, तो अभी बंद कैसे करूँ, सास ससुर मान नहीं रहे, तो उनमें भी गुरुदेव को ही देख लेती हूँ, जय गुरुदेव पति लगा देती हूँ, देवी को जय गुरुदेव बोल देती हूँ, इसीलिए मैं बीच में भी बोलने के लिए कोई गुरु भाई से जुड़ने के लिए कोशिश करी हूँ कि मैं ये भगवान की पूजा करनी कि नहीं करनी, फिर कोई बोलते ऑटोमेटिक बंद हो जाएगी, तो ठीक है होएंगी जब होएंगी, मैं अभी तो गुरुदेव का नाम लेके दीपक लगा रही हूँ। बहुत अच्छा लगा, तो गुरुदेव ने तैयार किया है एक प्रचारक के रूप में, सिद्धियों का और गुरुदेव के मिशन का जो प्रचार प्रसार आपके द्वारा होगा, यही शुभकामनाएं मैं आपको देता हूँ 2023 में, बहुत बहुत जय गुरुदेव। और भी कोई गुरु भाई है आना चाहे, स्वागत है, गुरु बहन से बात कर सकते हैं प्लीज, गुरु भाई या गुरु बहन। बुद्धि जी भाई साहब स्वागत है आपका। भाई साहब जय गुरुदेव, वैसे गुरु बहन ने सब कुछ बता दिया है, तो गुरु बहन की अनुभूति लीजिए भाई साहब, क्या पूछेंगे अपन, और बता चुके गुरु बहन सब कुछ, जय गुरुदेव। हिंगू भाई साहब है नहीं है अभी, हिंगू भाई साहब ठीक है। गुरु बहन आपकी कोई और अनुभूति हो जो आपको लगता है आध्यात्मिक या भौतिक जो यहाँ शेयर करनी चाहिए, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप करें प्लीज। अभी तो इतनी है गुरु भाई, और है मगर अभी इतना ध्यान में नहीं, कि पुरानी पुरानी अनुभूतियां बहुत है मगर अभी इतना ध्यान में नहीं है ऐसा। जय गुरुदेव। गुरु भाई सुरेश स्वागत है, अनम्यूट करें आप सुरेश जी। सुरेश जी नीचे दूसरा बटन है, लेफ्ट साइड से दूसरा बटन है, उसको दबाए प्लीज। हाँ अब बोल ले आप। हाँ जय गुरुदेव साहब। जय गुरुदेव जी। मैं निवेदन कर रहा था किसी साहब आपसे कि ये सीता बहन का तो अपन इंटरव्यू लेकर के और इसका कोई वेबसाइट पे डाल करके अपन वो वेबसाइट पे नोट कर लें सब, और इस पे बता दें ताकि जो है ना इंसिता बहन का जो इंटरव्यू है ना, कई कई भाइयों को कैंसर होता है उनको अपन बता दें। भाई साहब ये रिकॉर्डिंग हो रही है अभी, इसी रिकॉर्डिंग को अपन शेयर करेंगे, इसमें गुरु बहन का पूरा इंटरव्यू आ जाएगा, ये ऑनलाइन जाएगी, कल ऑनलाइन आ जाएगी आपको, है ना। हाँ मैं यही निवेदन कर रहा था। ठीक है, कई लोग मिलते हैं। जय गुरुदेव गुरु भाई। और कोई गुरु भाई गुरु बहन कुछ बात करना चाहे स्वागत है।
कार्यक्रम का समय भी पूरा हो गया है। हिंगू भाई साहब, बुद्धि जी, यदि कोई गुरु भाई आना चाहे तो उनका स्वागत है। मनोरमा बहन, स्वागत है आपका। जय गुरुदेव। हाँ, गुरु की बात सुनकर मतलब शब्द नहीं है कि गुरुदेव का दर्शन जो मतलब कितना अद्भुत है, क्योंकि मेडिकल साइंस में तो इसका कोई इलाज ही नहीं है। इवन कीमो लगने के बाद भी 2 साल से ज्यादा लाइफ नहीं होती। तो मतलब मेरी भी कुछ ऐसी अनुभूति है। मुझे एक्चुअली क्या शर्म आ रही थी अपनी अनुभूति बताने में। मुझे भी क्या फाइब्रॉइड ब्रेस्ट था 2008-09, मैंने कभी किसी को नहीं बताया। ऐसे नॉर्मली देखने से पता नहीं चलता, लेकिन फाइब्रॉइड ब्रेस्ट था। तो अभी मतलब ये मेरी जो बेटी हुई, इसके बाद मुझे एक दिन ध्यान में ब्रेस्ट दिखा अपना लेफ्ट, तो मुझे पता नहीं क्यों दिख रहा है। और मुझे मतलब एक थ्रेड सा निकलता हुआ दिखाई दिया ध्यान में, वाइट जो धागा होता है मोटा वो। फिर मैंने देखा मेरे ब्रेस्ट का जो निप्पल है उस पर वाइट सा निशान बना हुआ था। उसके बाद मुझे 3-4 दिन तक इतनी योगी क्रियाएं हुई, जैसे कांटे चुभ रहे हैं ब्रेस्ट में इस तरह से, और वो अब बिल्कुल ठीक है। मैंने गुरुदेव की भभूत भी लगाई, क्योंकि मुझे पता था, मैंने कभी किसी को नहीं बताया। अभी बिल्कुल ठीक है। मुझे पहले शर्म आ रही थी कि मैं बताऊं नहीं बताऊं, लेकिन गुरु बहन की अनुभूति सुनकर मुझे बताना चाहिए। और ये मुझे जब मैं जैकलोन में थी कोटा, तो 8-9 में ही जो गायनोलॉजिस्ट थी वहां पे डॉक्टर कल्पना चौरसिया, उन्होंने बताया था। तो अभी बिल्कुल ठीक है। बोलो कल की भगवान की जय हो। जय हो। बस इतना ही बताना था डॉक्टर, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। गुरु बहन, डॉक्टर क्रांति, गुरु बहन स्वागत है, कुछ बात करना चाहे तो प्लीज। डॉक्टर क्रांति बहन, सीता गुरु बहन अपना, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है, मैं आपकी बात रखता हूँ। गुरु बहन का ये सवाल है कि और अपन अधिक से अधिक गुरु के प्रति और समर्पण बढ़ाने में क्या अपनी तरफ से हम कर सकते हैं, आप यदि कुछ बोलना चाहें 2 लाइन इस पे बोलें। बस समर्पण ही है, गुरुदेव का मंत्र जाप करते रहो दिन भर। मैं तो रात को जगती तभी बहुत मंत्र जाप करती रहती हूँ। कभी ऐसे टेंशन में कुछ भूल गई तो गुरुदेव से क्षमा मांगती हूँ, आज मेरे से मंत्र जाप नहीं हुआ, तो फिर रात को हो जाता, नींद नहीं आएगी, रात को हो जाता। गुरुबहन, जितना सरल अपना मन होगा ना, जितने सीधे अपन होंगे ना, उतनी ये शक्ति ज्यादा काम करेगी, मुझे ऐसा लगता है। ज्यादा कानून कायदे दिमाग ज्ञान से परे जो होगा ना, इसके पास कम होगा, उसके ये बहुत काम करेगी। गुरुदेव ने, मेरा भाई एक मेरे से छोटा है, वो नशा करता है बहुत, वो जो आलम वगैरह कुछ रहता ना वो लेता, तो गुरुदेव ने मुझे वो भी सपने में आके बताया 4 बजे, बेटा तेरे भाई को ध्यान की जरूरत है। तो मैं बोली ऐसा क्यों बताए, मुझे उस टाइम पता नहीं था मेरा भाई नशा कर रहा। तो बड़े भाई को मैं फोन लगाई, बोला ऐसे से गुरुदेव का ध्यान कर रही हूँ, तो गुरुदेव 2 बार बोल दिया तेरे भाई को ध्यान की जरूरत है। तो क्या हुआ भाई, बीमार है क्या? तो बोले नहीं, बीमार तो नहीं है, वो नशा करता है। तो फिर मैंने गुरुदेव का सब सुना, तो उसमें गुरुदेव ने ये भी बताया नशा भी कट जाता है। तो मगर मेरा भाई वो अभी तक नहीं सुन रहा, मैंने उनको उसी दिन से बताया, मगर वो तो बोलता नहीं मुझे ऐसे लफड़े में नहीं पड़ना, वो अभी तक नशा ही कर रहा है। गुरुदेव ने तो बता दिया, आप बता दो, करेंगे तो उसकी इच्छा है, नहीं करेंगे तो उसकी इच्छा। वो नहीं जुड़ रहा है, वो बोल रहा नहीं ऐसा गुरु मैंने बहुत देखा है, ऐसा है वैसा है, वो नहीं सुन रहा तो नहीं कर रहा। तो जान दो, उनकी मर्जी है, अपन जबरदस्ती किसी को नहीं करा सकते। सही है। विक्रम जी, गुरु आपका भी स्वागत है। विक्रम जी हैंड रेज किया आपने। महेश जी, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं, प्लीज आप पूछे पहले। महेश जी, भाई साहब जोशी जी, नीचे दूसरा बटन है भाई साहब, प्लीज। हाँ, जय गुरुदेव। जय गुरु। महेश भाई साहब, आपकी आवाज क्लियर नहीं है, आप महेश जी, आपका ये जो कैमरा वाला पहला बटन है उसको ऑफ कर लें और बात करें प्लीज, शायद आवाज क्लियर हो जाए। भाई साहब,
विक्रम जी एक मिनट वेट करें प्लीज, विक्रम जी एक मिनट वेट करें प्लीज, गुरु भाई को पूरा होने दें, महेंद्र जी को। जी महेंद्र जी। हाँ गुरु भाई, आ रही आवाज अभी आ रही है? अभी आ रही है गुरु भाई। हाँ गुरु भाई, मैं 2020 से जुड़ा हुआ हूँ गुरुदेव से, डायरेक्ट यूट्यूब पे अपना फेसबुक से जुड़ा हूँ मैं डायरेक्ट जी। और मेरे को क्या कि थोड़ा मैं राजस्थान चार भुजा क्षेत्र का रहने वाला हूँ, राजसमंद डिस्ट्रिक्ट का जी गुरु भाई। और थोड़ा धंधा आगे पीछे की परेशानी से मैं बहुत परेशान था, थोड़ा डिसमिस हो गया था। तो जुड़ने के बाद में धीरे 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 गुरुदेव ने ऐसा वापस गाड़ी पटरी पर ला दिया कि बात ही मत पूछो, एकदम शानदार। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। मेरी मेरी नाव डूबी हुई थी, गुरुदेव ने वापस किया, एकदम सेफ सेट लगा दिया। और मैं जुड़ा और जैसे 15 दिन हुआ और गुरुदेव आए सपने में, रात को 2:15 बजे जैसे मैं सोया और गुरुदेव पधारे और आके खाट के ऊपर लेटे, और लेटने के बाद में मैंने उनको पूरा पैर को बाम से मालिश किया पूरा। और गुरुदेव ने फर्स्ट बार दर्शन दिया, और उसके बाद में मेरे को धीरे 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 करके अभी 1.5-2 साल हो गए, एकदम गाड़ी फर्स्ट क्लास लाइन पे ला दिया गुरुदेव ने। गुरु कल की भगवान की जय हो, मजा आ गया गुरु, मजा आ गया, आनंद आ गया गुरु भाई। गुरु प्रेम के आगे सारी दुनिया फीकी, केवल गुरु प्रेम से सब कुछ मिल जाएगा जी। अपने ये गंगा नाथ जी की जामसर में जो बरसी अभी गई ना बरसी, वैसे पिछले साल भी बरसी के दिन मैं बोले गुरुदेव मुझे आना था मगर आ नहीं पाई मैं, तो घर में गुरुदेव ने पूरी परिक्रमा करवा दी, ऐसे तस्वीर रख के मैं ध्यान कर रही थी तो ध्यान में पूरी परिक्रमा करा दी गुरुदेव ने। बोलो बहुत गुरुदेव और जामसर में गई, परिक्रमा देखे मन्नत मांग के आई थी, मेरा हैदराबाद का घर है बेचा दो गुरुदेव, वो बिक नहीं रहा था, हम लोग इधर आ गए घर ऐसे ही पड़ा, तो बरसी के दिन ही मेरा घर बिका। भगवान की जय हो। विक्रम भाई साहब स्वागत है आपका, विक्रम जी स्वागत है प्लीज। महेंद्र जी, गुरु भाई मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आज समय पूरा हो गया है, कल आप आए क्योंकि मुझे पता है आपके अंदर खूब गुरु प्रेम भरा हुआ है, कल आप आए और अपनी अधिक से अधिक साझा करें कल। जी विक्रम जी स्वागत है आपका, गुरु भाई स्वागत है। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव सीता बहन, जय गुरुदेव। मैंने कहा बड़ा आनंद आ गया सीता बहन की अनुभूति सुन के, है ना, कैंसर जैसी बीमारी भयंकर बीमारी होती है भैया जी, कोई नहीं बच पाता, दवाई नहीं बच पाता, है ना, बड़ी कृपा, मतलब पूर्व सीता बहन विक्रम जी समर्पित है गुरु भगवान। हाँ पूर्ण रूप से समर्पित है, आपकी कोई इसमें स्टोरी क्लैरिटी नहीं है, आपका वीडियो ऑफ कर दो विक्रम भाई साहब, आपका वीडियो ऑफ कर दो प्लीज। हाँ विक्रम जी भाई साहब आपकी बात हो गई पूरी? हाँ हाँ हो गई हो गई, मुझे तो ऐसा ऐसा ही वो देना, धन्यवाद। चलो कार्यक्रम का समय हो गया है, मैं अब महेंद्र जी भाई साहब से दोबारा रिक्वेस्ट करूंगा कल आए और अपनी बात रखे, अब आज आपकी पूरी अनुभूति नहीं ले पाए हैं हम, कल भी कार्यक्रम इसी समय रहेगा, आप आए आपका स्वागत है। हिंगू भाई साहब जय गुरुदेव, कार्यक्रम को गुरुदेव के चरणों में अर्पित करें। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव सभी को, गुरुदेव की दिव्य चेतना सभी में सिद्ध हो, जगत व्यापी हो और जगत के कल्याण के लिए हो। जय गुरुदेव सभी को, बहुत बहुत जय गुरुदेव, बोलो कल के अवतार की जय हो। जय गुरुदेव जी भाई, जय गुरुदेव सभी को।